सो वेलकम माई लविंग सब्सक्राइबर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लवली हियर में। तो बहुत दिन बाद आ रही है वीडियो, चलो आ तो रही है, फिर इसकी बात करता हूँ मैं। हमारा जो T20 वर्ल्ड कप 2021 की हमने सीरीज चला रखी थी, हम आ चुके हैं गाइस सेमीफाइनल्स में, और सेमीफाइनल्स में हमारा मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ। अगर आपको किसी पता होगा, हम 2024 का वर्ल्ड कप जो जीती है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, उसमें हमारा फाइनल था साउथ अफ्रीका के साथ। अब यहाँ पे हम सेमीफाइनल्स में भिड़ने वाले हैं, तो टक्कर तगड़ी होने वाली है और आपको स्वाद भी पूरा होने वाला है भाई, क्योंकि आपका भाई एक रोमांचक मैच बना देगा भाई इस मैच को, जो ही हमारा सेमीफाइनल्स है भाई साहब। लास्ट मैच में हम पाकिस्तान को हरा के पहुँच चुके हैं सेमीफाइनल्स में। वैसे अगर मैच वो हम वह अगर हमारे पक्ष में अगर वो नहीं भी जाता, मतलब फिर भी हम पहुँचते, क्योंकि टेबल टॉप कर रखा है भाई, हमने टेबल टॉप कर रखा था, और पाकिस्तान आ सकता था, फिर साउथ अफ्रीका नहीं आता सेमीफाइनल में, चक्कर ही रहता हमारे सामने फिर अगर हम वो मैच हारते। तो साउथ अफ्रीका तो खुशी हुआ वो जिस टाइम हम जीते होंगे कि वो भी सेमीफाइनल्स में आ गए, बट अब है टक्कर, फाइनल्स के लिए हमें टकराना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से। ऑलरेडी हमारी एक जो टीम है, क्या नाम, जो ग्रुप दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड को भी हमने हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जब मैच हुआ सेमीफाइनल्स का, न्यूजीलैंड हार गई और इंग्लैंड ने उसे हरा गए, फाइनल्स में जगह पक्की कर ली है। हमारा दूसरा मैच है, दूसरा सेमीफाइनल टू है हमारा, तो हम सेमीफाइनल टू है, तो इसलिए अभी हम खेल रहे हैं मजे में, और आ चुके भाई बैटिंग आ चुके, खेलते हैं भाई, पहुँचते हैं फाइनल्स तक। तो फिलहाल बॉलिंग आ रही है भाई ए नार जो, और क्या भाई साहब बॉलिंग, तो अभी मतलब ये पूरी वो करने वाले, बट मैंने अगर बैटिंग ली है तो अब खेलना पड़ेगा भाई, तगड़े रन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, कम रन यहाँ पे नहीं चलने वाले। फील्डिंग यूनिट का बढ़िया, देखो मैंने अब प्लान बना रखा कि सेमीफाइनल्स में हमने ले ली बैटिंग, अब हमारी बैटिंग और तगड़े हम प्रूव कर सकते हैं, अभी फाइनल्स अगर हुआ तो देखेंगे भाई क्या आता है, बट फिलहाल हमारी बैटिंग है तो हम बैटिंग में पूरा फोकस कर रहे हैं। और फिलहाल रोहित शर्मा सर ने क्या बात है, क्या ही प्यारा सिक्स लगाया यहाँ पे, ओ भाई साहब अब आ चुकी है। तो बॉल ये देखो कितनी स्विंग हो रही है भाई, वो बॉल कितनी स्विंग हो रही है तुम ये देख लो भाई, बट फिर भी यहाँ पे दो रन निकाल दिए यहाँ पे रोहित शर्मा ने, क्या बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बढ़िया है, ओ भाई साहब। तो अब आ चुका है मज़ा, और एक सिक्स यहाँ पे लग चुका है फिलहाल, क्या बात है, ये भी चौका हो जाएगा, बहुत बढ़िया बैटिंग हमारी, मतलब मैं और रोहित सर चढ़े हुए यहाँ पे स्ट्राइक पे, स्ट्राइक तो एक बंदी करते हैं, नो स्ट्राइक और स्ट्राइकर के उसमें, तो हम चढ़े हुए हैं, पार्टनरशिप चल रही है यहाँ पे बहुत बढ़िया, और अच्छे खासे रन लग रहे हैं भाई, अच्छे खासे रन हमारी बहुत बढ़िया स्टार्टिंग हो चुकी है इससे T20 के सेमीफाइनल्स की। वाओ ये चौका तो कोई पर्सनली फेवरेट हो गया भाई कसम से, क्या बात है, ये उठा दिया बल्ला, और क्या बात है, मार दिया तक के साथ। ओके ओवर की समाप्ति, काफी बढ़िया मैच चल रहा है वैसे भी, ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल मतलब उड़ा दिया, कहते हैं उड़ाना भाई, उड़ा दिया बस, बिल्कुल उड़ा दिया, खत्म करी इसकी कहानी। वाओ शर्मा जी फैन हो गए हम तो, क्या बात है, हिटमैन का हिटमैन शो आपने अभी देखा, मतलब देख ही रहे हो आप, बट भाई क्या मारा है भाई लास्ट जो तुमने सिक्स देखा, और क्या बात है, इसी ओवर में सबसे ज्यादा रन आए हैं फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते, इतनी बढ़िया पार्टनरशिप चल रही है पावर प्ले के अंदर, यहाँ पे रोहित सर बहुत ही तगड़े तरीके से विस्फोट करते हुए 37 रन बना के 16 गेंदों के अंदर जा रहे हैं, थोड़ी सी बस ये कैच चलाया है, ऊपर भी आ सकती थी बॉल, बट अभी आ चुके हैं शिखर धवन हमारे साथ, और सर को बहुत तगड़ा खेलते हैं, क्या बात है, मज़ा आ चुका भाई, यहाँ पे एक चौका यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से शिखर धवन सर ने यहाँ पे कर दिया काम, मज़ा आ रहा है। ओके भाई कमाल है भाई, बहुत बढ़िया, ये एक और शॉट आ चुका है हमारी टीम की तरफ से, इंडिया की टीम, इंडिया की तरफ से बहुत बढ़िया, सेमीफाइनल्स अच्छा चल रहा है, बट वो जो वहाँ विकेट गिरी वो अगर थोड़ी पहले गिरती तो बहुत क्रूशियल मोमेंट हो जाता। ठीक है रोहित सर बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से खेल रहे हैं, T20 में उन्होंने वैसे करा था, काफ़ी अच्छा खेल रहे सर, मतलब अच्छे खासे सिक्सेस लगा के गए हैं, जबरदस्त अंदाज में पहुंचे अपने। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो क्या बात है, फिलहाल तो
से तो क्या बात है, यहाँ पे हमारी 50 पूरी हो चुकी है गाइस, 268 के पॉइंट 42 के स्ट्राइक रेट के साथ, क्या बात है, 268.42 के स्ट्राइक रेट के साथ। डेसिमल के बाद तो पॉइंट जो भी है, डेसिमल के बाद इकट्ठा नहीं बोलते। बाकी एंड ऑफ ओवर 6 के बाद हमारा मतलब पावर प्ले तो काफ़ी अच्छा चला गया, अगर एक तरीके से देखें तो लगभग 100 रन ही बन चुके हैं हमारे पावर प्ले के अंदर, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब फील्ड थोड़ी खुल चुकी है, थोड़ा देख के रन मारने पड़ेंगे। शिट यार, यही बात कह रहा था मैं, सर ने शॉट डेफिनेटली बहुत बढ़िया मारा, परफेक्ट मारा, बट उस साइड फील्डर था थोड़ा, वो और गेंद नहीं जा पाई, थोड़ा हवा का चक्कर पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ, बट यहाँ पे सीकर धवन सर इतना बढ़िया खेल रहे थे, उनको जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। ओके तो भाई, और ये एक शॉट मैंने लगा दिया, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया लॉन्ग तरफ, एक शॉट क्या बात है, ये तो बिल्कुल बहुत ही तगड़ा शॉट मारा है, शॉट तगड़ा मार दिया। तो केएल राहुल यहाँ पे फॉर्म में, और क्या भाई क्या ही शॉट निकाला, ये शॉट का तो बहुत बढ़िया, मतलब एक बार मैं कहूँगा इस शॉट को बार बार देखें, जितनी बार हो उतनी बार देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे शॉट मतलब ये तो गेम, चलो गेम हमारा बहुत ही बढ़िया, क्या फील आ रही है, और वैसे जब ये शॉट ऐसे ऐसे लगते हैं ना भाई ग्राउंड में, मैं कह रहा हूँ भाई क्या बात, उससे बढ़िया ब्यूटीफुल चीज नहीं है, क्या बात है, एक फ्री हिट मिलती हुई अभी मैं आ रहे को, यहाँ पे सेमीफाइनल तो चल ही रहा है, 152 रन हम जड़ चुके हैं फिलहाल, 10th ओवर चल रहा है, अच्छा है खासा, चलो कह रहा हूँ फिर भी यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि फिर की है हवाई यात्रा, मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने ज्यादा रन हो सके सेमीफाइनल्स में हमको उतने चाहिए, और हम रन के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पे पीछे भाग रहे हैं, रन बनाने के हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मस्त है, चाहे विकेट्स यहाँ पे चली गई, मैं कह रहा हूँ शिखर धवन सर की एक विकेट थी जो वहाँ गई, वहाँ थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि वहाँ बहुत रन बना सकते थे सर, बस एज की फील्ड तभी खुली थी एंड थोड़ा सा उसका वो नहीं रहा या चीज नहीं हो पाई, बाकी शॉट बोल्ड बहुत बढ़िया मारता फुल स्ट्रेंथ के साथ, बस वो कहते हैं ना बाउंड्री, बस एक ज्यादा ज्यादा कैच हो गया वो, क्या बात है, इसी के साथ अर्श तक पूरा संभाल लिया है टीम को, खेले हैं संभल कर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इस सेमीफाइनल्स में क्या ही तगड़ा काम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सो यहाँ बहुत ही बढ़िया शतक यहाँ पे हमारा लग चुका था एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े आ चुके थे, अब क्या बात है, एक और सिक्स जड़ दिया यहाँ पे केएल राहुल ने, जो तो बिल्कुल मज़ा आ गया देख के, जो कि आप कह सकते हो मज़े वाली चीज़ है, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे एक चौका, चौका आएगा ना भाई, चौका आ गया, हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा परफेक्शन शॉट नहीं लगा, बट गुड शॉट है भाई, एंड चौका हमने यहाँ पे निकाला एंड हवाई फ्लाई हो गया, क्या बात है, बाउंड्री के पार, क्या बात है, 101 रन 36 गेंदों के अंदर, 14 चौके 4 छक्के, क्या बात है। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 भाई, ये गेम मेरे हिसाब से 2020 में आया था, और अब तक इसमें क्या क्या हो गया, मतलब 4 साल हो गए इस गेम को आए हुए, और क्या गेम हो चुका भाई, है इतने मतलब इसमें फीचर्स ऐड हुए, चीजें हुई, NPL इतने आए, 2020 2021 2022, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसके हर सीजन के NPL निकले हैं, और मेरा 2020 का अनुभव है शायद, बाकी तुम खेल सकते हो, अगर मैं कहूँ तुम वाकई में खेल सकते हो फिलहाल के टाइम पे, अभी की फ्री एंट्रीज चल रही हैं शायद, हाँ चल रही हैं, क्योंकि उनमें वही ऐड देखो और चल खेल लो भाई, कुछ में है कुछ में नहीं है, वही बात है, कुछ अनलॉक करने के लिए 199 रुपीज़, 200 रुपये चाहिए भाई, कर दो भाई तुम, सब्सक्राइबर करो पहले, कुछ बदलना होगा, यू पी आई आई डी मैंने दे रखी है हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है शायद,
यूपीआई पेमेंट कर दो तुम, मजा आ गया। दोस्तों रुपये अनलॉक करते हैं फिर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विराट कोहली का शॉट अति उत्तम, क्या बात है। 121 मीटर का सिक्स था भाई वो। 267 रन ऑलरेडी यहाँ पे हम बना चुके हैं, 15वां ओवर चल रहा है। एक और, क्या बात है। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, बातों बातों में मेरी विकेट तोड़ गई। अरे यार उड़ गई भाई वो, बस फील्डर भी सिर्फ पता है मेरी विकेट वहां क्यों उड़ी, उसका भी एक कारण है, मतलब एक्सक्यूज देने चाहिए। बट हाँ बात हुई है कि मैं खेलने वाला चला गया स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट शॉट तब मैं खेलने गया था फुल दो साल हुआ था, मैं क्योंकि सेलेक्ट तो नहीं चुका था। अब भयंकर नहीं बिका, उसकी बॉल आ गई थोड़ी पता नहीं स्लो आई, पता नहीं क्या स्लो थोड़ा वैसी हो गया स्विंग हो गई वो, मैं फटाफट आगे ही और बढ़ाया वो स्लो आई थोड़ी पीछे एकदम चले गई, मतलब फास्ट बॉल आती तो चल जाता काम, बहुत स्पीड में काम हो गया फिर यहाँ पे। क्या बात है, केएल राहुल को शर्त है भाई, तो ये बजा लो जिसे जिसको बजानी है, क्योंकि बहुत ही मजा आ चुका है। सेमीफाइनल में झंडे गाड़ चुके हैं यहाँ पे हम। एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब तुम फाइनल्स का गेम देखोगे ना, तुम फाइनल्स में कहोगे अरे भाई साहब, और मैं तुम्हें एक बात लिख के देता हूँ यहाँ पे कि तुम्हें फाइनल्स लाइव दिखाऊंगा, ये बात है, तुमको मैं फाइनल्स लाइव दिखाऊंगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, मगर वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली तो हम यहाँ पे मैं लाइव खा ही दूंगा, मैं लाइव कर दूंगा मैं उसे गेम प्ले ओवर करके। क्या माल है, क्या बात है। ट्रॉफी 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 ब्रो, क्या बात है। केएल राहुल तो आज छा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल छा चुके हैं। हमने सिर्फ एक मैच में केएल राहुल लिए, वो था सेमीफाइनल का मैच, वो तो क्या है, वो ये सेमीफाइनल का मैच है, इसी मैच में हमने केएल राहुल को बुलाया। और केएल राहुल क्या चल रहे हैं भाई, क्या चल रहे हैं, मतलब विराट कोहली 91 ओ कोहली का शतक होने वाला भाई, कोहली विराट कोहली शॉट, और क्या थी खूबसूरत ये टाइमिंग, 6 का पहाड़ा पर किंग कोहली का शतक आने वाला है, कौन सी सेंचुरी होने वाली है, 85 86 क्या बात है, 100 सेंचुरी, वाओ शानदार शतक, एक और सिक्स ब्रो, क्या बात है। 27 गेंदों के अंदर ये शतक, 381.48 के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत तगड़ा खेले हैं भाई विराट कोहली सर, किंग कोहली बन के खेले हैं। तुम्हें एक बात, एक चीज देख रहे हो भाई, 3 सेंचुरी लगी इस गेम के अंदर, वो ऐसा नहीं कि सबने 50-50 का काम करा भाई, मजा आ गया, डेफिनेटली मजा आ गया भाई। 3 सेंचुरीज गाइस, 3 सेंचुरी लगी है हमारे सेमीफाइनल के अंदर इंडिया की तरफ से, बहुत सारे रन, 3 शतक लगे हैं, पछतावा होगा। अब तो गेम होना भाई, 396-397 का टारगेट है स्कोर साउथ अफ्रीका। अब जो भी होगा देखने की बात होगी, आगे नहीं आगे मुंडे, छागे मुंडे, लुके नहीं तीर निशाने, लागे नहीं लागे मुंडे, ठोकर का से किसी में क्या टूटिया मैं वारी वारी, एज ऊंची किसी में, वाओ तो क्राउड में भी हेलमेट बटवाने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही तगड़ा मारा है भाई ये भी इन्होंने, 6 स्टार्टिंग में क्विंटन डिको खेलने में सब शायद बहुत में किया परिवर्तन, चकमा बल्लेबाज उठाने की कोशिश पर फील्डर है और कैच कैच गाइस कैच, बढ़िया पकड़ा था, कोर्ट लिखा था बट कैच भी आना चाहिए, बट कैच आता ना क्या बात है, कोर्ट ऐसे लिखा था कि वो हो गया, वही की बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, एक और कैच, क्या बात है, आज तो कैच की प्रैक्टिस तगड़ी हो चुकी है हमारी टीम की। क्विंटन डिको का कैच था बहुत बढ़िया, 34 में हम 2 विकेट्स ले चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर बना चुके हैं क्योंकि टारगेट काफी लंबा हमने सेट किया है, काफी लंबा क्योंकि 3 सेंचुरीज मारी है हमारी टीम ने, वो पर ये गए, ओ भाई साहब एक और आने दो आने दो आने दो विकेट आने दो मेरे भाई, ट्रिस्टन स्टैब्स लिख रखा है, स्टैब्स है भाई ट्रिस्टन स्टैब्स, थोड़ा सा बढ़ाना होगा, स्लो बॉल कराने की यहाँ पे कोशिश जारी है, रिवर्स स्विंग कराने के चक्कर में काफी मतलब खा मिल चुके हैं भाई साहब, उठा दिया ये तो बहुत बढ़िया शॉट है, शॉट की तो तारीफ है भाई, क्या शॉट खेला है,
राहुल रूसो ने, और ये महेंद्र सिंह धोनी, क्या बात है, सात नंबर टी शर्ट पे लग चुका, और क्या बात है भाई, ये तो मजा आ रहा है देखने में, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और एक और विकेट, क्या बात है, ट्विस्टेड स्टार्स 32 रन बना के यहाँ पे चलते हैं, क्या बात है। मतलब हमारी टीम का जोश इतना बढ़ चुका है कि अब तो बस आ लिया मैच, ये यहाँ पे LPW हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल LPW, क्या बात है। ये कह रहे हैं नहीं, तूने क्यों ऐसे कहा भाई, तू ले ले यार, तू ले ले, पता नहीं क्या हुआ, देखते चल। ये एक अंपायर का पता नहीं, अंपायर कॉल कब करती है, क्योंकि रिव्यू में कई बार दिखता है, कई बार अंपायर ने कहा जाना आउट है तो वो आउट है, अंपायर कॉल पर बैंड करता है कई बार, वो चीज़ बहुत होती है, अगर वो आउट नहीं करता तो आउट नहीं होता यार, ये चीज़ है गेम की, अंपायर कॉल्स तो इम्पैक्ट है, विकेट सेटिंग इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट अगर वो कहता नहीं है तो नहीं मानी जाती अंपायर कॉल, मानने अंपायर ने तो देखो सेटिंग, अगर ये ऐसा इम्पैक्ट है, अगर तुम देखो अगर अंपायर ने कहा विकेट तो विकेट, नहीं कहा तो विकेट नहीं, अगर वहाँ हिट भी हुई होती है, अगर अंपायर का इंपैक्ट कहता इंपैक्ट नहीं है तो विकेट थी नहीं भाई, वो जोर से आई है, इट्स अबाउट इंपैक्ट, कवर्स, ग्राउंडमैन, वो तो कैसा है इंपैक्ट, ऑन साइड है या ऑफ साइड, ऑन है, क्या बात, बारिश ने डाला है खेल में खलल, अब उम्मीद है बारिश 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 हमारे सेमीफाइनल्स में भी होगी, बारिश रे, ये क्या चक्कर है बाबा, सेमीफाइनल्स में भी बारिश हो गई, बारिश के कारण भाई थोड़ा लंबा, ठीक है, मतलब 396 का था, 20 रन ही कम करे यार, क्या इसकी वजह से खेल में था खलल, मतलब 10 रन एक ओवर ही कम कर दिए उन्होंने, यानी कि अब शुरुआत करनी होगी चौके छक्कों के साथ, चलो भाई क्या बात है, एक और सिक्स, शॉट ने लूटी वाह भाई जबरदस्त, क्या बात गाइस, वाओ, ये तो मतलब पैरों पर आती गेंद को पीछे की ओर धकेल दिया है बिल्कुल, सात गेंदों में 34 रन की पार्टनरशिप, काफी अच्छा खेल रही है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये क्या हुआ, ये तो भारी नुकसान हो चुका है साउथ अफ्रीका को, मतलब यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी आने वाली थी, जरा हम जूम करके एक बार देखना चाहेंगे कि यहाँ पे विकेट है या नहीं है, काफी ही ज्यादा तगड़ा काम हो चुका है, बट क्या बात है, कुछ यहाँ पे लगे पड़े हैं, कुछ ने यहाँ पे, क्या बात है, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट शेडिंग, और यहाँ पे विकेट उड़ चुकी है गाइस, यहाँ पे एक इनकी हाफ सेंचुरी आ रही थी वो नहीं आ पाई, एक हमने विकेट ले लिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जय हो, गेंदबाज की चतुराई, बल्लेबाज की शामत आई, लेग बिफोर द विकेट्स, नहीं यार अभी तो 10 रन पड़े थे, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, मुझे लगा 49 होंगे, काफी ज्यादा कुछ नया करने का प्रयास है, भयंकर इनके देख रहे हो तुम, 160 रन मार दिए उन्होंने 8 ओवर में, फिर भी कमाल है, गेंदबाज रिवर्स स्विंग कराने में माहिर है ये गेंदबाज, रॉकेट की स्पीड से गई है गेंद, ये तो धवन भाई वाला काम हो गया भाई इनके साथ, मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि हमारा इनका मैं हमारा इनका तो स्ट्रेट में हुआ, मेरा मैं भाई का उस साइड हुआ था, थोड़ा लेफ्ट साइड हुआ, यहाँ पे विकेट उड़ती हुई, विकेट के साथ मैच हुआ हमारे नाम, बट फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं ये विकेट आई है या नहीं आई है, और दोस्तों मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो शॉर्ट्स पाया है T20 वर्ल्ड कप 2021 के आपको आ रहे हैं सेमीफाइनल्स की वीडियो है, एंड फाइनल्स भी हम आपको दिखा देंगे, बट मुझे अभी बता दीजिए क्या बात है, क्या आप फॉलो करेंगे भाई, जरूर करना, क्योंकि एक बार जब हमने देखा है इस 2024 में हमारी टीम इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप, तो मैं चाहता हूँ एक बार हम वैसे ही बिना कोई मैच हारे सारे मैच जीते और फाइनल्स भी जीत के ट्रॉफी उठाए, तो आप उस सीरीज में बने रहना, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ, बनिएगा जरूर, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए शुक्रिया गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, ऐसी सपोर्ट बना के रखो भाई, एंड 500 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करो भाई, लव यू गाइज, मिलता हूँ फाइनल्स में।